कोई सोच सकता था पहले कि मां विंध्यवासिनी धाम में इतना अच्छा कॉरिडोर बनेगा? कोई ये सोचता था कि यहां मिर्जापुर जनपद में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा? क्या ये कोई सोचता था हर घर नल की योजना इस क्षेत्र में भी क्रियान्वित हो पाएगी? आज तो भाइयों बहनों, हर घर में शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने के बड़े अभियान के साथ हम लोग निकले हैं और यहाँ की बहनों की समस्या का समाधान भी करेंगे कि उनको शुद्ध जल की आपूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन साथ साथ मां विंध्यवासिनी के नाम पर अब हमारे मिर्जापुर में भी एक भव्य विश्वविद्यालय का निर्माण हो, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने तय कर लिया, मैं यहां पर अभी आशीष जी से भी और यहां पे रमाशंकर जी से भी, अनुप्रिया जी से भी, अनुराग सिंह जी से भी, रत्नाकर मिश्रा जी से भी, इन सबसे मैं यही पूछ रहा था कि जमीन चिन्हित करके उसको तत्काल प्रस्ताव भेजिए, एक्ट बनते ही यहां पे शिलान्यास के लिए, विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए हम लोग आने वाले हैं। भाइयों बहनों, पहले विश्वविद्यालय क्या महाविद्यालय नहीं मिलते थे? अब तो विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं और विश्वविद्यालय के माध्यम से ये शिक्षा के केंद्र के रूप में ये पूरा क्षेत्र उभरेगा।